This is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor, Marine Engineering Lectures. This is our third lecture on Marine Purifier. First lectures में हम लोगों ने बात किया था working principles of Marine Purifier. Second lectures में हम लोगों ने बात किया था constructional details of Marine Purifier. हम लोगों ने ये भी बात किया था हमारी interface and gravity disc क्या होती है, कैसे हमारी gravity disc के size के change होने पे हमारी interface की position change होती है, and interface किस किस other factors पे depend करती है, like specific gravity of oil, fluid drift, viscosity, temperatures, इन सारी चीजों पे मैंने डिस्कस किया था। इस लेक्चर्स में मैं बात करूंगा डिसलेजिंग मैकेनिज्म्स। जब भी हमारी प्यूरिफायर में जो डिसलेजिंग मैकेनिज्म्स होती है वो क्या होती है और हमारी कैसे होती है, इस लेक्चर्स में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। सो मैंने टॉपिक में लिखा है स्लज डिस्चार्ज मैकेनिज्म सेल्फ इजेक्टर मित्सुबिशी प्यूरिफायर। ओके, तो ये मैंने रेफरेंस लिया है मित्सुबिशी प्यूरिफायर की, उससे मैं समझाऊंगा आपको हमारी स्लज डिस्चार्ज मैकेनिज्म कैसे होती है और डिसलेजिंग मैकेनिज्म हमारी कैसे होती है। तो हमारी डायग्राम है, मैंने रफ स्केच बनाया ताकि आपके लिए इजी अंडरस्टैंड, एंड मैं कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल भी आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो मैंने प्यूरिफायर ड्रॉ किया है, और जो अपर पार्ट होती है जो हमारी बॉल हुड मैंने ड्रॉ किया है, बॉल बॉडी ड्रॉ किया है, और ये पूरी मीन्स हमारी कंस्ट्रक्शन जो होती है हमारी स्लाइडिंग बॉल है। ये हमारी जो मैंने रेट्स यहाँ पर शो किया है, ये हमारी स्लज पोर्ट है, ये हमारी स्लज पोर्ट है, एंड ये हमारी पायलट बल्ब है। पायलट बल्ब में हमारी ड्रेन नोजल्स अरेंजमेंट होती है जो आपको आगे पता चलेगी इसकी यूज क्या होती है। ओके ना, अब ये आप देख सकते हो ये हमारी जो है ये लाइन जो है मींस ये पोर्ट आप जो देख रहे हो ये हमारी पोर्ट है। ओके, ये पोर्ट जो आप देख रहे हो ये हमारी पोर्ट होती है बॉल ओपनिंग वाट, बॉल ओपनिंग, यहां से हमारी बॉल ओपनिंग वाटर जो होती है हम फीड करते हैं। और जो आप बिलो पोर्ट देख रहे हो जो हमारी ये पोर्ट है, जो हमारी ये पोर्ट है ऐसे हमारी गई हुई है, फिर यहां से हमारी लाइन जा रही है और ये हमारी ये पोर्ट में जो हमारी वाटर फील होती है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशंस। ओके, तो ये पोर्ट हम जो होती है हमारी बॉल क्लोजिंग पोर्ट होती है, और यहां से हम बॉल क्लोजिंग वाटर हम फीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी सीलिंग वाटर जो होती है, ओके, या हमारी बॉल ओपनिंग वाटर जो होती है एंड बॉल क्लोजिंग वाटर होती है, जो भी अगर हम वाटर फीड कर रहे हो प्यूरिफायर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करनी चाहिए जो भी हमारी टैंक होती है, स्पेसिफिक टैंक होती है जहां से हम वाटर फीड करते हैं एंड फिर हम बॉल ओपनिंग में वाटर फीड करते हैं, बॉल क्लोजिंग वाटर या हमारी ये जो हमारी सीलिंग वाटर जो हम फीड करते हैं, तो हमें इंश्योर करना है जो भी हमारी ऑपरेटिंग टैंक है, ओके, वहां पर हमारे वाटर की लेवल जो हमारी प्रीडोमिनेंट मींस लेवल हो, जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतनी हमारी लेवल हो वाटर की। सपोज अगर हमारी वाटर की लेवल अगर लॉस होती है, तो अगर सपोज हम लोगों ने प्रोवाइड किया बॉल क्लोजिंग वाटर, तो हमारी क्या होगी, अगर हमारी वाटर की लेवल लो है तो हमारी बॉल जो होगी अच्छी तरह से हमारी क्लोज नहीं होगी, इन दोनों के बीच में हमारी गैप क्रिएट होगी, जिससे हमारी क्या हो सकती है, हमारी ऑयल भी लॉस हो सकती है वाया स्लज पोर्ट के थ्रू। ओके, तो हम इन छोटी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब मैं आपको स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड अगेन मैं डिसलेजिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा विद लाइन डायग्राम, तो इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। नाउ, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कैसे हमारी प्यूरिफायर मींस सीलिंग वाटर हम लोगों ने फीड किया, सीलिंग वाटर तब तक फीड करना है जब तक हमारी वो सीलिंग वाटर हमारी वाटर आउटलेट से हमारी बाहर ना रही हो। फिर सीलिंग वाटर के बाद हम लोगों ने डर्टी वेल सप्लाई किया, डर्टी वेल हम लोगों ने फीड किया, डर्टी वेल हमारी क्या करती है, सीलिंग वाटर को डिस्प्लेस करती है, हमारी इंटरफेस क्रिएट करती है एंड हमारी डिस्क प्लेस और डिस्क सरफेस के थ्रू हमारी ट्रैवल करती है, जहां पर हमारी फोर्सेस एग्जर्ट होती है सच एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू फ्लो वेलोसिटी, और उसकी रिजल्टेंट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स हमारी डिस्क सरफेस पे हमारी स्ट्राइक करती है, हमारी वेलोसिटी उस पोजीशन पे हमारी जीरो हो जा सकती है एंड हमारी डिस्क सरफेस की मिडिल पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड हमारी जब भी हमारी स्ट्राइक करती है रिजल्टेंट फोर्स हमारी डिस्क सरफेस पे बॉटम डिस्क सरफेस पे, तो हमारी क्या होती है जो भी हमारी पार्टिकल्स होती है लाइक हमारी सॉलिड इंप्योरिटी लिक्विड इंप्योरिटी स्लज हमारी क्या होती है स्लाइड डाउन होती है एंड वो हमारी पेरीफेरी पे हमारी एक्युमुलेट होती है, ये हमारी पेरीफेरी पे ये हमारी स्लज जो होगी एक्युमुलेट होगी। इन सारी चीजों मैंने डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये हमारी स्लज होगी। अब इसके बाद हमारी क्या होती है, ये हमारी सीलिंग वाटर होगी, जो हमारी वाटर हम लोगों ने फीड किया था हमारी वाटर होगी। अब ये जो हो गए यहां पर हमारी क्या होती है ऑयल होती है। अब हमें क्या करना है,
ये जो हमारी स्लज एक्युमुलेट हुई से हमें अब क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। ओके, तो हम इसे कैसे डिस्चार्ज करेंगे वो हम प्रोसेस देखेंगे। सपोज हम लोग क्या करना है, अब हमें स्लज डिस्चार्ज करना है। सबसे पहले हम जो ऑयल हमारी फीड हो रही है उसे हम स्टॉप करेंगे। ओके, हम ऑयल फीड हो रहा है उसे हम स्टॉप करेंगे एंड अगेन हम क्या करेंगे, सीलिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे। सो रिमेनिंग कुछ ऑयल्स जो होगी वो हमारी अगेन हमारी सर्विस टैंक में हमारी फीड हो जाएगी, मीन्स हमारी सर्विस टैंक में चली जाएगी। अब हमारी क्या है, जो हमारी रिमेनिंग हमारी क्या होगी, स्लज बची हुई है। ओके, मींस हमारी क्या है, रनिंग कंडीशंस पे हमारी क्या होती है, बोल तो क्लोज होगी, मींस हमारी ऑलरेडी यहां पर वाटर प्रेजेंट होगी इस पोर्ट पे। मैं फिर से इस पोर्ट पे आऊंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इस पोर्ट पे हमारी ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होगी। वाटर प्रेजेंट क्यों होगी, ताकि ये जो बॉल जो है वो हमारी प्रेस स्टॉप कर सके और हमारी बॉल क्लोज हो सके। ओके, अगर हमारी बॉल क्लोज नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, ऑयल जो होगी स्लज पोर्ट से हमारी स्लज के थ्रू हमारी बाहर आ सकती है। इसलिए हमारी ये जो पोर्ट होती है, स्लाइडिंग पोर्ट जो होती है, हमारी प्रेस स्टॉप होती है विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर, मींस हाइड्रोलिक फोर्स उसे एग्जर्ट होती है, तो हमारी ये क्लोज होती है ये रनिंग कंडीशन पे। अब हमें क्या करना है, डिस्लज करना है। ओके, तो डिस्लज करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉल ओपनिंग वाटर हम क्या करेंगे, फीड करेंगे। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने बॉल ओपनिंग वाटर हम लोगों ने फीड किया, ये हम लोगों ने फीड किया, ये हमारी बॉल ओपनिंग वाटर हमारी फीड हुई। ओके, अब हमारी ये जो है पायलट वाल्व जो है, ओके, हमारी यहां पर बॉल जो भी हमारी ओपनिंग वाटर हमारी पायलट वाल्व पे हमारी पहुंच चुकी है ये हमारी। अब यहां पर क्या होगी, हाइड्रोलिक फोर्स क्रिएट करेगी। ओके, मींस हमारी जो हाइड्रोलिक वाटर जो होगी, मींस वाटर जो होगी हमारी क्या करेगी, यहां पर हाइड्रोलिक फोर्स क्रिएट करेगी। तो हमारी जो ये जो वाल्व है, वाल्व की मूवमेंट जो होगी इनवर्ड होगी। आप देख सकते हो, सपोज ये हमारी फिगर है, ये मैं आपको यहां बताता हूं। ओके, ये हमारी ऐसे अरेंजमेंट है, यहां से हमारी ऑपरेटिंग, यहां से हमारी ओपनिंग बॉल ओपनिंग वाटर हम लोगों ने फीड किया। ओके, और यहां पर मैंने ड्रेन नोजल दिखाया, ड्रेन नोजल शो किया है, ये हमारी ड्रेन नोजल है। ओके, अब ये हमारी क्या है, वाल्व है। तो आप देख सकते हो अभी हमारी वाल्व कॉन्टेक्ट में है, तो मीन्स हमारी कैसे वाल्व की अरेंजमेंट हमारी ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। ओके, अब हमारी क्या हुई है, अब हमारी यहां पर वाटर आ चुकी है, मीन्स यहां पर कुछ हाइड्रोलिक फोर्स क्रिएट कर रही है। ओके, एंड वो हाइड्रोलिक फोर्स हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमारी ओवरकम करेगी एंड हमारी क्या होगी, ये वाल्व जो होगी हमारी इनवर्ड शिफ्ट होगी। मीन्स हमारी क्या होगी, ये वाल्व होगी हमारी इनवर्ड शिफ्ट होगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वाल्व जो होगी हम लोगों ने इनवर्ड शिफ्ट किया। यहां पर हमारी क्या थी, ये हमारी पोर्ट है जहां पर हमारी वाटर प्रेजेंट है। अब हमारी वाल्व क्या होगी, हमारी इनवर्ड शिफ्ट हुई। तब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारी ये हमारी क्या है, हमारी डिस्चार्ज नोजल है। मीन्स हमारी अब जो भी हमारी वाटर जो अपर पार्ट पे है, जो हमारी वाटर, जो ये हमारी वाटर है। ओके, अब हमारी क्या होगी, जो हमारी ये वाटर है, यहां पर हमारी क्या थी, वाटर थी। अब ये हमारी वाटर इसके थ्रू हमारी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। इस नोजल के थ्रू भी हमारी डिस्चार्ज होगी, जो हमारी यहां वाटर एक्युमुलेट हुई है। अब यह हमारी क्या होगी, अब हमारी इस पोर्ट पे हमारी वाटर अब नहीं है। अब देख रहे हो, इस पोर्ट पे मैंने वाटर अब रिमूव हो चुकी है, सपोज रिमूव हो गई है। अब इस पोर्ट पे हमारी वाटर नहीं है, तो हमारी क्या है, जो हाइड्रोलिकली इस वाटर की वजह से जो हमारी प्रेस्ट थी वो हमारी क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। मीन्स अब हमारी ये स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग बॉल हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। मीन्स हमारी यहां पर क्या है, मैंने कैसे अरेंजमेंट शो किया है, ये हमारी क्या है, स्लज पोर्ट है, हमारी स्लज पोर्ट है। हमारी इनिशियल हमारी कैसे कंडीशंस थी, हमारी इनिशियल कुछ ऐसी कंडीशन थी, ठीक, हमारी इनिशियल ऐसे कंडीशंस थी, और ये हमारी ऐसे थी, और ये हमारी ऐसे थी। ओके, और यहां से हम लोगों ने, और यहां से हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया था, ये आप देख सकते हो, यहां से हम लोगों ने ऐसे प्रोवाइड किया। ओके, हमारी कुछ ऐसे थी, मीन्स हमारी क्या थी, ये जो थी ये हमारी हाइड्रोलिकली प्रेस्ट अप थी, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर हियर। यहां पर हमारी वाटर थी जो हमारी हाइड्रोलिक फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से ये हमारी प्रेस्ट अप थी। अब हमारी यहां पर कोई वाटर नहीं है, मीन्स कोई हाइड्रोलिक फोर्स नहीं है, तो अब हमारी यहाँ क्या होगी, ये हमारी स्लाइड डाउन होगी। मीन्स अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगी, ये हमारी स्लाइड डाउन हो चुकी है। Got it? अगर हमारी ये स्लाइड डाउन होगी तो यहां पर हमारी कुछ चेंजेस आएगी, मींस हमारी इसकी मूवमेंट जो होगी यहां पर गैप क्रिएट होगी। ओके, ये हमारी स्लाइड डाउन हो चुकी है, मींस यहां पर गैप क्रिएट हुई। ओके, तो जो भी अब हमारी स्लज होगी,
हमारी स्लज जो होगी, जो हमारी यहाँ एक्युमुलेट है, जो हमारी स्लज एक्युमुलेट है, लिक्विड इम्प्यूरिटीज कुछ जो हमारी एक्युमुलेट है, वो हमारी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। गॉट इट? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बोल ओपनिंग वाटर हम लोगों ने फीड किया। ऑलरेडी यहां पर हमारी ऑपरेटिंग वाटर प्रेजेंट थी, एंड ऑपरेटिंग वाटर हमारे क्या कर रही थी, स्लाइडिंग बॉल को पुश अप कर रही थी, जिससे हमारे ये दो बॉल जो कि हमारी क्लोज्ड होगी, स्लाइडिंग बॉल क्लोज्ड होगी। ओके, तो हमारी वेटर सेपरेशन होगी। अब हम लोगों ने क्या किया, बॉल ओपनिंग वाटर फीड किया, बॉल ओपनिंग वाटर फीड किया, तो यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, हाइड्रोलिक फोर्स ने क्या किया, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम किया, एंड जो हमारी पायलट बल्ब थी हमारी इनवर्ड उसकी मूवमेंट हुई। मींस पायलट बल्ब की हमारी ये बल्ब जो देख रहे हो उसकी इनवर्ड मूवमेंट हुई। ओके, इनवर्ड मूवमेंट होने के कारण हमारी क्या होगी, यहां पर हमारी ऐसे अरेंजमेंट आप देख सकते हो, ऐसे अरेंजमेंट में चेंज होगी। अब यहां पर जो वाटर था हमारी क्या हो सकती है, ड्रेन आउट हो जाएगी यहां से, और यहां पर जो वाटर प्रेजेंट होगी हमारे ड्रेन वाल्व के थ्रू, हमारी ड्रेन नोजल यहां भी लगी हुई, तो यहां से भी वाटर चली जाएगी। तो ये हमारी डिस्लजिंग मैकेनिज्म होती है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी डिस्लज हो चुकी है ना। अब हम क्या करेंगे, इस ड्रेन नोजल्स के थ्रू, ओके, ड्रेन नोजल्स के थ्रू हमारी जो भी वाटर यहां प्रेजेंट होगी वो हमारी ड्रेन हो जाएगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम डिस्लजिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम डिस्लज कर रहे हो, तो सपोज हमारी डिस्लजिंग प्रोसेस स्टार्ट है, सो जब तक हमारी डिस्लजिंग खत्म ना हो तब तक हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग वाटर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सपोज अगर हमारी डिस्लजिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और हम लोगों ने बॉल ओपनिंग वाटर फीड करना बंद कर दिया, तो इससे हमारे क्या होगा, हमारे बॉल ओपनिंग वाटर हमारी फीड स्टॉप हो गई, तो हमारी क्या होगा, हाइड्रोलिक फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, हमारी मीन डिस्लज हमारी सही से नहीं होगी। इसलिए जब तक हमारी फुल डिस्लजिंग प्रोसेस नहीं हो जाती है, तब तक हम बॉल ओपनिंग वाटर हम फीड करते हैं। ओके, मतलब ना, अब हम सेकंड प्रोसेस क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉल क्लोजिंग वाटर, अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं। ओके, अब हम क्लोज कर रहे हैं, तो हमारी यहां से वाटर हम क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे ड्रेन नोजल्स के थ्रू, या ड्रेन नोजल यहाँ ड्रेन हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बॉल क्लोजिंग वाटर के लिए हमारी यहां पर कोई वाटर नहीं, यहां पर हमारी अब वाटर नहीं, और ये हमारी इनिशियल हमारी वाटर अगर हाइड्रोलिक फोर्स अगर कम हो जाएगी, तो इनिशियली हम हमारी बल्ब जो होगी हमारी रिसेट हो जाएगी, बैक हमारी आउटवर्ड चली जाएगी, हमारी रिसेट हो जाएगी। ओके, ना अब हमारी क्या होगी, बॉल क्लोजिंग वाटर हम फिट करेंगे ताकि हमारी बॉल क्लोज हो सके। अब यहाँ पर हमारी वाटर प्रेजेंट होगी, ये हमारी वाटर आएगी, अब हमारी वाटर यहाँ पर पोर्ट एम्प्टी थी, तो हमारी पोर्ट क्या होगी, हमारी वाटर से हमारी फिलअप होगी। ओके, अब हमारी क्या होगी, पोर्ट हमारी वाटर से फिल्ड अप होगी, तो अब हमारी क्या होगी, स्लाइडिंग बॉल जो होगी अब हमारी प्रेस्ड अप होगी, तब स्लाइडिंग बॉल प्रेस्ड अप होगी। अगर सपोज अगर हमारी क्या होगी, स्लाइडिंग बॉल प्रेस्ड अप होगी, मींस हमारी क्या होगी, यहां पर अगेन हमारी ये प्रेस्ड अप हो चुकी है, मींस हमारी यहां क्लोज हो चुकी है, मींस हमारी ये अगेन हमारी ये क्लोज हो चुकी है। ओके, तो ये हमारी बॉल क्लोजिंग वाटर थी, एंड मैंने आपको बॉल ओपनिंग वाटर बताया। तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी, तो सो आई होप ये आपको क्लियर होगी। अगर आपको ऐसा लगता है इस लेक्चर्स में कहीं डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड मैं ब्रीफली अगेन मैं इस टॉपिक पे आऊंगा, और जब मैं स्टार्टिंग स्टॉपिंग एंड डिसलजिंग प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, तो मैं कंबाइन आपको बताऊंगा किस किस इंटरवल में, किस किस ड्यूरेशन में हमें डिसलज करना है, एंड कब हमें ऑपरेटिंग वाटर फीड करना है, और बोल सकते हैं बोर क्लोजिंग वाटर हमें फीड करना है। इन सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, और वो लाइन डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊंगा अपकमिंग लेक्चर्स में। सो थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।